संसदीय हिवाळी अधिवेशनाचा कालचा पहिला दिवस होता आणि या पहिला दिवस चांगलाच गोंधळाचा ठरला. त्यानंतर आता मोदी सरकारला घेरण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये विरोधकांची थोड्याच वेळात महत्वाची बैठक होतीये. यावेळेस काँग्रेस पक्षासह सर्व 13 विरोधी पक्षांचे खासदार संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनावरही बहिष्कार टाकण्याचा विचार करू शकतात. कोणतीही चर्चा न करता कृषी कायदे रद्द करण्याचं विधेयक काल लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये मंजूर झालं आणि त्यावरून आणि राज्यसभेतील 12 निलंबित खासदारांच्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी विरोधक आजच्या बैठकीमध्ये वेगळी रणनीती सुद्धा आखू शकतात. दरम्यान कालप्रमाणेच आजच्या विरोधकांच्या बैठकीतही तृणमूलचे खासदार उपस्थित राहणार नाहीत. त्या तृणमूलला विरोधकांचं नेतृत्व करायचं असल्याचं सुद्धा कळतंय. आणि निलंबनाच्या कारवाईनंतर शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे असा आरोप प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केला. तसंच कदापि माफी मागणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी. हिवाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस खूप वादळी ठरला. एकतर कृषी कायदे सरकारनं मागे घेतले पण कुठल्याही चर्चेविना, त्याच्यावरचा गोंधळ संपत नाही तोच संध्याकाळी 12 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. आणि हे निलंबन पहिल्या दिवसासाठी नव्हतं तर मागच्या अधिवेशनामध्ये जे झालेलं आहे त्याच्या संदर्भातलं होतं. ज्या 12 खासदारांचं निलंबन झालेलं आहे त्याच्यामध्ये शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आणि अनिल देसाई यांचासुद्धा समावेश आहे. आपण बातचीत करूयात प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यासोबत. मॅम, जिस तरह से ये एक्शन हुआ है कैसे देखती है और आपकी पहली रिएक्शन क्या है? सरकार ने क्या ये नियमों के तहत किया है या क्या? नियमों के खिलाफ हुआ है, अनडेमोक्रेटिक है, अनप्रिंसिपल्ड है और मैं मानती हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ा रहा है. नियम कानून जो 256 धारा भी लगाई है, 256 में क्लियरली लिखा है कि वो उस सेशन के लिए अप्लाई करता है. एक बार सेशन ख़त्म हो जाए, साइंड आए, आप उसको रोल ओवर नहीं कर सकते एक्शन लेने के लिए. तो जो काम किया गया है वो आई वुड से इट्स अनफॉर्चुनेट और लाइक आई सेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहा है. कल जो कार्रवाई हुई उसके बाद यही सवाल मतलब सबके मन में था कि ये तो पिछले सेशन में हुआ है तो इसके ऊपर इस सेशन में कार्रवाई क्यों हो रही है, तो क्या रीज़न आप देखते हैं इसके पीछे? रीज़न बस यही है कि विपक्ष को चुप कराना है. खिसाए हुए बैठे हैं क्योंकि इन्होंने जो फार्म बिल्स लाए थे बगैर डिस्कशन के लाए, बगैर किसानों से पूछ कर आए, फिर किसानों का एक साल प्रोटेस्ट रहा, फिर प्रधानमंत्री को आकर माफ़ी मांगकर विड्रॉ करना पड़ा. तो आप बिल ले आते हैं विदाउट डिस्कशन, बिल रिपील कर ले, एक्ट रिपील कर लेते हैं विदाउट डिस्कशन. तो पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए, कुचलने के लिए ये काम हो रहा है. आप अभी इतने इंपॉर्टेंट बिल्स आने वाले हैं जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये लाने की कोशिश कर रहे हैं. राज्यसभा में आपकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है जितनी लोकसभा में है. तो आई वुड लुक एट इट एट समथिंग दैट के की ऑपोजिशन को और अपने बिल्स पास कराने के लिए ये हरकत की है. पॉलिटिकल रीजंस देखते हैं आप इस कार्रवाई के पीछे? एब्सोल्युटली, ये कार्रवाई पॉलिटिकल इन नेचर है. इट इज नथिंग टू डू विद डिसिप्लिन, नथिंग टू डू विद डेमोक्रेसी, इट हैज नथिंग टू डू विद डिबेट एंड डिसेंट. इट इज ओनली एंड द डिसरप्शन का जो एक्यूजेशन लग रहा है, इट हैज ओनली एंड ओनली टू ट्राई एंड साइलेंस द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन. ये हो रहा है. आपने कहा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्या कहता है रूल बुक, नियम क्या कहता है इस नीलम कार्रवाई के बारे में? कार्रवाई जो रूल नंबर 256 है वो ये कहता है कि अगर उस सेशन के दौरान कि कोई भी आपको अगर चेयर को लगता है कि अनरूली बिहेवियर हुआ है तो वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं. आपको ध्यान होगा कि पिछले सेशन में टीएमसी के 2 MPs या 4 MPs को 2 दिन के लिए सस्पेंड किया था. तो वो चेयर पे डिपेंड करता है पर उसी सेशन पे लागू होता है. आप लास्ट डे ऑफ द सेशन होता है और आप उसका बहाना लेकर, आड़ लेकर कि लास्ट डे पे हुआ था तो हम रोल ओवर कर हम एक्शन ले रहे हैं, ये कहीं भी रूल बुक में मेंशन नहीं है. और मैं आपको बता दूं, जब मैंने ओथ लिया था हमें साथ में ये रूल बुक दी गई थी कि इसके ही फ्रेमवर्क में काम करना है और मुझे भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स पूरे अच्छे से समझ में आ रहे हैं और जिस तरीके से इसका उल्लंघन किया है. रेट्रोस्पेक्टिव एक तरह से लागू हो गया? बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिव है. और मैं कहूंगी रेट्रोस्पेक्टिव कब तक? अगर कोई और पार्टी आ जाती है, पॉलिटिकल पार्टी इक्वेशन आ जाता है तो हम ये भारतीय जनता पार्टी पे लागू करने लग जाएंगे. उनके MPs जिन्होंने 2014 से पहले डिस्ट्रप्शन किए थे उनको सस्पेंड करने लग जाएंगे. तो ये सवाल आज मैं मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को देना है. अगर देश की जनता की आवाज़ उठाना, उनके हित में बात करना, उनके लिए हमें पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ उठाना भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है तो वो जनता ही इनसे सवाल पूछेगी और वोट की अगर बात करते हैं तो इनको नकारेगी भी. कल हमने देखा कि कल आप बहुत गुस्से में भी थी और आपने कहा कि हमें मौका भी नहीं मिला जो अन्य आरोपियों को मिलता है वैसा नहीं मिला. हाँ, मैं गुस्से में इसलिए थी क्योंकि हम जब ओथ लेकर आते हैं
हम कॉन्स्टिट्यूशन पे लेते हैं, हम देश की जनता के लिए लेते हैं और देश की जनता की आवाज़ रखने के लिए लेते हैं। और अगर कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस के हिसाब से नहीं हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम आवाज़ उठाएं। आपने सेशंस कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी हार्डन क्रिमिनल हो, अक्यूज्ड हो, उसको भी डिफेंस देने का मौका मिलता है कि क्यों इस तरीके का बिहेवियर सामने आया। आपने ना इंटीमेट किया, ना आपने किसी तरीके का निर्णय के बारे में हमें कॉन्फिडेंस में लिया। आपने कुछ कुछ सिलेक्टिव सीसीटीवी फुटेज रिलीज़ किए। मैंने सीसीटीवी फुटेज पहली बार मैंने कल देखी थी जो टीवी चैनल्स पे चल रही थी। उसमें क्लियरली एक है जहाँ पे मैं हाथ दिखा रही हूँ मार्शल को, हाथ दिखा नहीं रही हूँ, ऐसे 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 एजिटेट होकर बात कर रही हूँ। उसमें यह हुआ था कि एक मेल मार्शल हैं, मेल गार्ड थे, कौन थे, उन्होंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धक्का मुक्की की थी, विमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, मैं उनको कह रही थी कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर हम आ रहे हैं, वी आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यू कैन नॉट पुश अराउंड अ वुमन एमपी। तो ये मेरी बातचीत चल रही थी, बट दे रियल आई मीन ऑब्वियसली ऑडियो है नहीं, सो दिस इज द वे दे बिहेव। सिलेक्टिव फुटेज है, पूरी फुटेज भी नहीं रिलीज की है और उसके आधार पे चेयरमैन ने निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं डाउट तो क्वेश्चन तो उठता ही है। जब कल सेशन शुरू हो गया, क्या आपको मतलब थोड़ा सा अंदाजा था कि ये कार्रवाई होने वाली है, क्या लग रहा था? कुछ नहीं था। आपने विरोध जताया डिप्टी? कुछ नहीं था। यस, मैंने डिप्यूटी चेयरमैन से मैंने बात की, मैंने कहा कि ऐसे कैसे ये निर्णय लिया जाते हैं, पार्लियामेंट है, कोई स्कूल प्रिंसिपल नहीं है, तो यू कांट डू समथिंग लाइक दिस। एंड आई एम वेरी सर्टेन कि जो जिन जिन के आपने नाम रीड आउट करके लिए हैं, आपको उनसे पूछना तो चाहिए था क्यों ये क्या हुआ था पार्लियामेंट में। तो ऑब्वियसली अब जब उन्होंने कहा चेयर का डिसीजन है, मोशन पास हुआ है, बट दैट इज़ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। पर मैं इसको, ये जो पूरा कांड हुआ है, मैं डेमोक्रेसी रूल नंबर 420 मानती हूँ। आज एक बैठक होने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप जो सारे सांसद हैं माफ़ी मांगते हैं तो ये निलंबन वापस लिया जाए। नहीं, माफ़ी के कोई चांस नहीं है। माफ़ी किस बात के लिए मैं मांगूँ कि देश की जनता की आवाज़ हमने उठाई, हमने जो भी लाखों इंश्योरेंस वर्कर्स थे उनकी आवाज़ उठाई, जो लाखों इन्वेस्टर्स हैं, करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, उनकी आवाज़ बनकर हमने उठाई है, उसके लिए माफ़ी मांगूँ? प्रजातंत्र का हनन हो रहा है और हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी मांगूँ? मैं इसके लिए माफ़ी मांगूँ कि आज ये बुलीज़ की तरह हर बिल पास कर देते हैं विदाउट डिबेट एंड डिसेंट, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगूं? मैं किसके लिए माफ़ी मांगूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर यही सरकार का रवैया है तो हमारी भी कुछ सोच है जिसके आधार पर हम चलेंगे। अगर माफ़ी नहीं तो कैसे इस मतलब लड़ाई को अब आगे लेंगे? इट हैज़ टू बी डन इन अ डेमोक्रेटिक फैशन। अगर आप किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। एंड चेयरमैन विल हैव टू रीथिंक कि ये किस क्यों हुआ है, काय के लिए किया गया है और किस आधार पे किया गया है। एंड हैज जस्टिस बीन डन टू दोज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु वर रेजिंग द वॉइसेस फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।